डेथ एंड कॉन्शियस डेथ. हम जब भी कॉन्शियस डेथ की बात करते हैं, इट इज अ वॉलंटरी डेथ, इट हैज नथिंग टू डू विथ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम अनदर डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस. तो वी डोंट इवन नो, हमें मालूम ही नहीं है कि कॉन्शियस डेथ किसको कहते हैं. तो हम अगर इतना हम सीख ले जो आज सब में बोलने वाला हूं, तो शायद जो डेथ इनवॉलंटरी होने वाली है, जक मार के भी मरना तो पड़ेगा ही, तो एटलीस्ट वी कैन मेक इट वॉलंटरी. दूसरी चीज कि जब तक जीवन में हमारा सबसे जो गहरा वलन है, सबसे गहरी जो एटीट्यूड है, इज टू रन अवे फ्रॉम पेन. जब तक ये है तब तक डेथ वॉलंटरी नहीं हो सकती. फिर से कहता हूं, मैं कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं करता, सिर्फ वॉलंटरी डेथ. तो पेन जो है, सफरिंग जो है, जब तक वो सफरिंग से हम भागना चाहते हैं कहीं भी, या किसी गुरु के पास गए या कोई अध्यात्म का मार्ग पकड़ लिया, जब तक भीतर है कि मुझे सफरिंग नहीं चाहिए, सफरिंग जब तक वॉलंटरी नहीं होती तब तक डेथ वॉलंटरी नहीं होती. तो लेकिन हमारे लिए सफरिंग इनवॉलंटरी, हमें सफरिंग नहीं चाहिए. सफरिंग समझते हैं. सफरिंग हमारे जीवन में आता है और बहुत आता है. हम सब अपने इमेज में जीते हैं और ये इमेज बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल फॉल्स. हमें लगता है कि मैं ये व्यक्ति हूं, लेकिन वो व्यक्ति हम कौन है हम नहीं जानते. और ये इमेज हम जी रहे हैं और ये इमेज को कुछ हो जाता है, हम सफर करते हैं. नाम है मेरा, कुछ प्रतिष्ठा है, तो उसके ऊपर किसी ने फेंक दिया तो मैंने सफरिंग कर लिया. किसी ने कहा तुम्हारा कपड़ा ऐसा है तो सफरिंग कर लिया. किसी ने कहा तुम्हारा घर ऐसा है, सफरिंग कर लिया. किसी ने कहा बीवी ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसा है और तुम्हारे में गुस्सा बहुत है. सबने इमेज बना दिया है कि मैं ये हूं और कोई कहता है कि तुम ये नहीं है तो सफरिंग होता है. हमारा सब सफरिंग गलत है, ऑल इमेजिनरी. और जब तक ये इमेजिनरी सफरिंग से मुक्ति नहीं होती, डेथ की बात करना बहुत कठिन है. फिर भी आज थोड़ी बात करते हम प्रैक्टिस कर सके, नींद में सपने में थोड़ा प्रैक्टिस आज से अगर शुरू करेंगे तो शायद वो जो डेथ आने वाली है वो वॉलंटरी बन जाए, शायद कॉन्शियस की बन जाए. तो पहली चीज जो हमारे गहरा वलन है, टू रन अवे फ्रॉम सफरिंग. वी डोंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम सफरिंग, वी फेस सफरिंग. तो इनवॉलंटरी जो है उसको वॉलंटरी बना दो. उसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भगवा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं. वो भी सफरिंग से भागा है इसलिए भगवा कपड़ा पहना. जितने भी साधु है सब भाग के गए, ये सफरिंग नहीं चाहिए, वो भगवान वाला सफरिंग चाहिए. Doesn't work that way. तो ये सफरिंग को पहले वॉलंट्री बनाओ. और जब वॉलंट्री सफरिंग बनता है तो एक दिन हमें पता चलता है कि कॉन्शियस सफरिंग क्या है. ये अभी पता नहीं चलेगा. तो कॉन्शियस सफरिंग जब हमें महसूस होता है भीतर, तब कॉन्शियस डेथ की शक्यता है. पहली चीज जो इनवॉलंटरी सफरिंग रोज आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिटिंग योर लेग अगेंस्ट अ स्टोन और समथिंग, साइकोलॉजिकल सफरिंग जो हमारे जीवन में रोज आता है, हर पल आता है, वो जो इनवॉलंटरी है उसको वॉलंटरी बनाना सीखो. वॉलंटरी, व्हाट विल यू कॉल इट इन हिंदी? स्वैच्छिक. स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक. Thank you.
सेंसेशंस की बात करेंगे और वो जो सेंसेशंस है वो डेथ के सिम्टम्स रिवील करते हैं। वो भीतर कुछ हो रहा है, कुछ जाने वाला है, कुछ गिर जाने वाला है। दूसरी चीज, इसको अगर हम फिनोमिनल वर्ल्ड कहते हैं, जो हम पांच इंद्रियों से देखते हैं, छूते हैं, तो डेथ के बाद जो वर्ल्ड है वो नॉन फिनोमिनल, वो इंद्रिय अतीत दुनिया है, इंद्रिय गम्य दुनिया नहीं। और हमारी पूरी जो सोचने की आदत, देखने की आदत, समझने की आदत, वो बिल्कुल इंद्रिय गम्य है। हमें कुछ इसके अलावा कुछ सोचने का आता ही नहीं है, कोई सोचने का ढंग ही नहीं है। दूसरी चीज, कुछ साथ में आता है, कुछ रह जाता है, और जो साथ में आता है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। शब्दों की दुनिया छूट जाती है, जो ब्रेन का हम 24 घंटा उपयोग करते हैं वो तो यहां छोड़ के जाना पड़े, लेकिन एक ब्रेन साथ में आता है जो नाद समझता है, भाव समझता है, वो शब्द नहीं समझता है, भाषा नहीं समझता है, लेकिन इट कैन अंडरस्टैंड रेजोनेंस, इट कैन अंडरस्टैंड साउंड्स, इट कैन अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी, संवेदना की दुनिया वो समझ सकता है। तो वो जो हमारा ब्रेन है उसको हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग को योग में प्रत्याहार कहा गया है। कि ये आंख से मैं देखता हूं, लेकिन जो आंख देखता है वो आंख का टेव ही है बाहर देखना, आंख भीतर देख ही नहीं सकते। अभी भी आप पूरी जिंदगी मेडिटेशन में बैठोगे तो भी आपको अहंकार के सिवाय कुछ नहीं दिखने वाला। Has to be trained in a certain way. तो वो जो आंख बाहर देखता है उसका एक कैपेसिटी है अंदर देखना। स्थूल आंख है और सूक्ष्म आंख है, वो दोनों का अलग करना उसको पतंजलि कहता है प्रत्याहार। के बाहर अभी वो देखता नहीं है, वो भीतर देखता है। बाहर अभी वो संवेदना नहीं लेता है, वो भीतर की संवेदना। बाहर का अभी साउंड नहीं सुनता है, वो भीतर का नाद सुनता है। और इसकी प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए, सोते समय, सुबह जागते समय। ये जो पांच इंद्रियों की प्रैक्टिस है वो जैसे बाहर देखते हैं वैसे भीतर उसका अलग एक आयाम खुलना चाहिए। तो जो जो मैं बात अभी करने वाला हूं ये इसके लिए है कि हम प्रैक्टिस करें। तो पहली चीज है कि जो सेंसेशंस आते हैं जब डेथ नजीक आता है तो वो सेंसेशंस को हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ बहुत से लोग हैं जो लोग पहले ड्रग्स लेते थे, तो ये ऐसे बहुत सी साधुओं की कम्युनिटीज में ऐसा है कि वो ड्रग्स लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि आपको ड्रग्स लेना चाहिए, ये बात नहीं। जैसे केमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, वैसे प्राणायाम से भी चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे कोई ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सिर्फ समझने की बात है कि ये समय में जो जो सेंसेशंस आएंगे हमको, वो एकदम एक्सपेंडेड सेंसेशंस होंगे। तो जिन लोगों ने ड्रग्स लिया है उनको ये पता है कि ये सेंसेशंस कौन सी किस्म का है। हम लोग जो साधारण आदमी है, हमने ये सेंसेशंस कभी कभी शायद थोड़ी बहुत हमने अनुभूति की हो, लेकिन अगर ड्रीम वर्ल्ड में हम प्रवेश कर सके तो ये सेंसेशंस हम ले सकते हैं। दूसरी चीज, वैसे तो हम पूरे दिन सोचते ही रहते हैं, द इनर मंकी नेवर स्लोज डाउन,
लेकिन बाहर हम भी मेंटेन अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, इंस्टिंक्टिव बैलेंस. एक बाहर भीतर जो भी हम सोचते हैं मैं उसको मिलता हूँ, भीतर जो भी उसके बारे में मैं सोचता हूँ बाहर तो मैं उसको बताता हूँ कि तुम अच्छा आदमी है, मेरा मित्र है, राइट. तो ये जो है ये एक बाहर का बैलेंस है, लेकिन मृत्यु के समय वो बैलेंस जो हमने पकड़ के रखा है, हाँ, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रिप्ड ऑफ. सी, हमें मालूम ही नहीं है कि हाउ मेनी थिंग्स वी आर प्रिटेंडिंग, हाउ मेनी थिंग्स वी आर फॉल्स इन एवरी रिस्पेक्ट, फॉल्स इन एवरी रिस्पेक्ट. आई से ही इज अ मर्डरर, ही शुड बी पनिश्ड. But every day I murder so many people in my thoughts. Maybe every husband murders his wife in his thoughts every day. Every wife murders her husband in his thoughts. What is the difference between him and me? But ये बाहर का मैंने एक psychological balance रखा है, और ये balance टूटने वाला है. ये जो भी faults है वो सब निकल जाने वाला है. बाहर तो मैं बताता हूँ कि खून खराब है, उसको punishment देना चाहिए. You get what I'm trying to say? So you will be stripped. It's a stripping of everything which is false. Or the real is going to come out, and the real jo hai wo expanded. Or if we have led false lives as we are all living, we have one face for the wife, one face for the servant, one face for the friend, one face for the society. Everywhere we are false. Everything is false in our lives. Whether it is the government or whether it is the income tax, I don't know. Everything is false. और ये सब टूटने वाला है. ये पूरा जो बैलेंस की एक लकीर हमने पकड़ के रखा है वो सब टूटने वाला है. There could be loss of memory, vision. मैं अपना नाम भी भूल सकता हूँ, वो सब आएगा. लग सकता है कि बहुत भारी लगता है, बहुत मैं फूल जाता हूँ, ये सब आ सकता है. अभी ये कैसे आता है वो देख लेते हैं. बात की है दो शक्तियों की, संवेदना की शक्ति, उत्तेजना की शक्ति. हमारा जीवन जो है वो पूरा उत्तेजना से चलता है. वी आर स्टिल एनिमल्स, वी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई एंड एवरी टाइम वी वॉन्ट मोर एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई. इट शुड बी मोर एक्साइटिंग, मोर बेटर, मोर न्यू. तो ये जो है हमारा पूरा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक्साइटमेंट का ही मार्ग को पकड़ता है, उत्तेजना का मार्ग को पकड़ता है. अभी जैसे हम जिए, अगर संवेदना में जिए हैं तो वो संवेदना उस टाइम एक्सपैंड होगा. अगर उत्तेजना में जिए हैं तो वो उत्तेजना उस टाइम एक्सपैंड होगा, और जो जो मैंने मांगा है वो एक्सपैंडेड रूप में सामने आएगा. और मैं हर पल मांगता रहता हूं, हर पल मांगता हूं. मुझे मालूम ही नहीं है यहां किस क्या क्या मैं मांगता रहता हूं, क्योंकि माय थॉट्स आर नॉट ओपन. Even I can't see them. I forget. After 5 minutes, I forget what I thought 5 minutes ago. लेकिन 5 मिनट पहले I thought कि उसका ऐसा हो जाना चाहिए. मुझे याद है अभी एक किस्सा हुआ था कि किसी ने फोन किया कि मुझे ये यात्रा पे जाना है. यात्रा पे जाना है. बोला कि अभी जरा ठीक नहीं लगती है, तुम क्यों ये यात्रा पे निकलते हो, नहीं जाओ ना, 2 महीने बाद जाओ. तो बहुत समझाया है कि नहीं. तो फिर उसने बोला नहीं मुझे जाना ही है, बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो. मैं ठीक है, प्रार्थना करेंगे. अभी ऐसे फोन रख दिया. अभी ब्रेन जो है वो मशीन टू मेक थॉट्स, सीधा एक थॉट बना दिया कि उसने मेरा नहीं माना तो उसका एक्सीडेंट हो जाना
फौरन ही अवेयर कर वो थॉट को छोड़ दिया हुआ। लेकिन ये थॉट आया, आप समझते हैं, ये जो है अभी वो मैंने मांगा है कि हाँ उसके लिए नहीं मांगा है, मुझे लगता है कि उसके लिए मांगा है, लेकिन मैं किसी के लिए मांग नहीं सकता हूं। मैं जब मांगता हूं मैं कहता हूं हाँ मेरा एक्सीडेंट, आप समझते हैं मैं क्या कहता हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाना। और ये तो एक पासिंग थॉट है, हमें याद भी नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय ये सब सामने आने वाला है। यू गेट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल दिस इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ अस इन मैग्निफाइड एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो संवेदना की शक्ति या उत्तेजना की शक्ति वो मैग्निफाइड रूप में हमारे सामने आने वाला है। थोड़ा हम कि कैसे मैं सोचता हूं, किस तरह का भाव में करता हूं, थॉट्स नहीं आना चाहिए मैं नहीं कहता हूं, सिर्फ जो भीतर होता है कि दिस इज माय थॉट, आई अटैच द थॉट टू द आई। Brain is a machine. It will make thoughts of all the dip. It should make as many thoughts as possible. Let it make the thoughts. Don't say this is my thought. Let the I be separate from the thought. अभी जो ये संवेदना आएगा मृत्यु के समय, they will come in waves, in different waves, like a एक माँ को अभी बच्चा पैदा होने वाला है तो उसका जो पेन, लेबर पेन्स आता है वो आता है और जाता है, आता है और जाता है, ये जो वेव्स स्पैज़मोडिक आता है। हमारे जीवन में सब कुछ स्पैज़मोडिक ही है, विदाउट एवरीथिंग वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ स्पैज़म्स, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, आज खुशी है फिर दुख है, फिर खुशी है फिर दुख है, एवरीथिंग वर्क्स ऑन द सेम लॉ। वैसे ही डेथ विल अप्रोच इन द सेम वे, थोड़ा सिम्टम्स आएगा कि अभी मृत्यु आने वाली है, फिर से सिम्टम्स शम जाएगा, फिर से नए सिम्टम्स आएगा, और जैसे डेथ आने के करीब है वो सिम्टम्स जो है, दो सिम्टम्स के बीच जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे हमने सोचा है, मैंने सोचा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, हाँ तो ये जो डेथ के सिम्टम्स, अभी मेरी घड़ी आने वाली है, वो सिम्टम्स आ गया, तो ये जो मेरे सामने जो पिक्चर्स आएगा, वो जो मैंने सोचा है जीवन में, वो सब मैग्निफाइड रूप में सामने आएगा, ये सब पिक्चर्स ही है, नथिंग इज रियल, मेरा ही भाव है, मेरे ही विचार है, हाँ कुछ सिंबॉलिक रूप लेके मेरे सामने आते हैं, वो कोई भी रूप ले सकता है। अभी हमने कुत्ता देखा बाहर, तो वो एक हेड वाला कुत्ता है, लेकिन तीन हेड वाला कुत्ता आ सकता है, एक एक हेड में तीन तीन टंग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा ही वो जो विचार मैंने फेंका था, हाँ वो ही मुझे मिलने आ रहा है, कुछ उसे घबराने की बात नहीं है। जिसको मालूम है कि ये सेंसेशंस ऐसे आता है, तो उसको पता चल गया कि अभी जो इंद्रिय की दुनिया है वो खींचने वाली है, ले जाने वाली है, द फिनोमिनल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रिप्ड अपार्ट एंड द नॉन फिनोमिनल इज गोइंग टू स्टार्ट, और इंद्रिय अतीत दुनिया है वो चालू होने वाली है, इसलिए ये एक्सपेंशन होता है। जैसे ड्रग लिया, इंद्रिय की दुनिया छूट गई और इंद्रिय अतीत दुनिया चालू हो गई, ऐसे ये समय ये दुनिया छूटने वाली है, तो वो दुनिया का जो एक्सपेंडेड एक एक भाव है वो आने वाला है। तो पता चल गया कि अभी ये जाने वाला है, तो इट इज यूजफुल, जिसको ये मालूम है कि अभी डेथ आने वाला है, अभी इट्स नॉट वेरी फार अवे, वन और टू आवर्स अवे, नाउ द सिम्टम्स लेबर पेन है स्टार्टेड, राइट। एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ डेथ को पकड़ने के लिए, एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ गोइंग टू स्लीप एंड गेटिंग अवेक इन द मॉर्निंग, वो उसका रोज प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है। बाकी मच बिफोर डेथ वी विल गो इनटू अ स्वून,
हम अनकॉन्शियस हो जाएगा, ये नेचर का एक मैकेनिज्म है हमें हेल्प करने के लिए। जैसे ऑपरेशन में मैं जाता हूँ और एनेस्थीसिया दे दे, तो ये नेचर कि भाई ये तैयार नहीं है, उसको एनेस्थीसिया दे दो, तो वो डेथ के पहले ही हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर ये सब जो अनुभूति आने वाले हैं वो हम ले नहीं पाएंगे। तो ये जो है अभी हमने नक्की किया, ये शुरू हो गया, इंद्रिय अतीत दुनिया शुरू हो गई। तो अभी 1.5 घंटा 2 घंटा बाकी है, अभी धीरे धीरे कुछ न कुछ होते रहेगा। अभी मैं सबको देख रहा हूं तो शायद देखना बंद हो जाएगा, मुझे लगता है कि मैं अंधा हो गया। अंधा नहीं हुआ, अभी अप्रोचिंग है फिर से, हाँ मैं देखने लगूंगा, कुछ याद करने जाता हूँ सामने कौन है। अभी मेरा ही बच्चा है, उसका नाम अभी याद आता नहीं है आपको, बहुत बार आपके बेस्ट फ्रेंड भी सामने, उसका नाम याद आता नहीं है। तो अभी इसका नाम तो कोशिश मत करना, अभी ये सिम्टम्स शुरू हो गया, अभी कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सब छूटने वाला है। तो लॉस ऑफ मेमोरी आएगा, फिर से मेमोरी आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिलैक्स, फर्स्ट थिंग इज टू रिलैक्स। इफ यू प्रैक्टिस 3-step रिदमिक ब्रीदिंग, बेस्ट थिंग इज टू ब्रीद इन रिदम। If the breathing is in rhythm, everything is in rhythm. ठंडी लगने लगेगी और ठंडी के साथ एकदम पसीना भी छूटेगा, दोनों साथ में लगेगा, ठंडी और गर्मी दोनों साथ में लगेगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ये घबराने की कोई बात नहीं। अभी जैसे डेथ की घड़ी आएगी, जो फीलिंग भीतर आएगा एज इफ समथिंग इज बीइंग पुल्ड, जैसे एक बलून को मैंने ब्लो कर दिया, अभी वो इतना मैंने ब्लो किया कि अभी वो एक्सप्लोड होने वाला है, ऐसा भीतर लगेगा। इतना टेंशन, जैसे कभी आपको कोई बॉयल हुआ हो और बॉयल इज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग, और कैसे फीलिंग जाता है, ऐसे भीतर पूरा एक फीलिंग आएगा कि कुछ बर्स्ट होने वाला है। अभी जो मोमेंट ऑफ डेथ है वो बहुत ही नजीक है। अभी जो फाइनल मोमेंट है उसमें पूरा ऐसा लगेगा कि कोई भी इंद्रिय काम नहीं करता है। तो ये आयाम अभी गया, अगर दूसरा आयाम हमने प्रैक्टिस किया लाइफ में तो वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो वो शुरू नहीं होगा। डू नॉट क्लिंग टू एनीथिंग, अपना सबसे प्रेशियस चीज हमारे पास जो है वो हमारा अटेंशन है, वो अटेंशन साथ में लेके जाना है, वो अटेंशन कहीं रोक के मत जाना कि मेरा पैसा का क्या होगा, घर का क्या होगा, तो वो क्या अटेंशन फ्रैगमेंटेड हो जाता है, उस चीज में रुक जाता है। तो अटेंशन हमें साथ में ले जाने का है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स होके वो घड़ी का इंतजार करना। अगर आपको मालूम हो गया और कोई मित्र भी हो साथ में तो उसको कह सकते हैं कि अभी लगता है और कहीं मुझे लगे तो यू कैन गाइड मी, यू कैन गाइड मी। अच्छा, द गाइड इज ऑलवेज देयर, बाहर का गाइड न हो तो वहां गाइड तो है ही, गुरु तो है ही। सिर्फ थिंग्स हैपन सो फास्ट वी फॉरगेट टू कॉल हिम, ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल द गुरु, वो आएगा ही मदद के लिए। अच्छा, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें सोना नहीं है, सोना नहीं है। अगर सो गए तो ये सब जो अनुभूति हो रही है उससे वंचित हो जाएगा, लेकिन नींद के साथ झगड़ना भी नहीं है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं
और बहुत नींद आती है तो नींद के साथ में झगड़ा करता हूँ. So we don't fight with the sleep. If I fight with the sleep, then I lose energy. Then I'm not relaxed. So don't fight with the sleep. So if I'm driving, then what will I say? You sit on my side and talk about it. So he talks about it and I'm driving. So sleep doesn't come. So sit on the side and sit on the side. And if sleep comes, then sleep. Don't fight with sleep. If you become unconscious, it's okay. But don't lose energy by fighting with sleep. अगर संवेदना की प्रैक्टिस किया है लाइफ में तो ये लास्ट मोमेंट में लाइफ रिपीट्स इटसेल्फ और रिपीट्स इटसेल्फ द फाइव एलिमेंट्स दे डिसॉल्व. जैसे कि आई गो अप टू 70 इयर्स देन आई डाई. नाउ अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछेंगे तो वो कहेगा द पॉइंट ऑफ बर्थ इज द पॉइंट ऑफ डेथ, देयर इज नो डिफरेंस. राइट, व्हाट डज ही मीन? जिस दरवाजा से अंदर आया उसी दरवाजा से मैं बाहर जा सकता हूं. यानी कि आई हैव टेकन वन टॉय फ्रॉम द मार्केट, उसका चाबी मैंने खिलौने में भरा. तो चाबी भरता गया 70 साल हो गया, 70 इयर्स हो गया, अभी डेथ आने वाला है. तो वो जो चाबी है वो 70 इयर्स का वो फिर से उतर जाएगा यानी स्पीड में वो खिलौना करके वो उतर जाएगा. हाँ, तो 70 इयर्स में चाबी चढ़ा दिया, 2.5 मिनट में उतर जाएगा. आई थिंक इफ यू वांट द फैंस इट्स लिटिल. चाबी उतर रही है वो 70 इयर्स का 2.5 मिनट में उतर जाएगी. तो आई लिव माय लाइफ ट्वाइस, वन 0 to 70 एंड वन 70 to 0. तो वो जो 70 to 0 वो 2.5 मिनट में मैं जीता हूं. अच्छा, अभी ये 70 to 0 जो है वो जो 2.5 मिनट में मैं जी रहा हूं वो उस समय जितने भी संस्कार है वो एक बार मैं उसमें से मुक्त हो जाता हूं. जैसे मैं कहता हूं द फिजिकल वर्ल्ड इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं है. ये जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है वो भी 5 एलिमेंट्स से बना हुआ. 5 एलिमेंट्स इज साइकोलॉजिकल, इट इज नॉट फिजिकल, इट इज नॉट समथिंग फॉर द साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी. वो भीतर की बात है, 5 तत्व. तो अभी मेरा जितने भी संस्कार है वो सब संस्कार में से मैं एक बार मुक्त होने वाला हूं. तो वो 5 तत्व जो है वो वापस, जितने भी संस्कार है वो अपने अपने तत्व में वापस चले जाने वाले हैं. तो दो चीज है, अगर मेरा अटेंशन इतना पावरफुल है, मैंने प्रैक्टिस किया है एंड द प्रैक्टिस इज इन द ड्रीम, बिकॉज इन द ड्रीम 2.5 मिनट्स इज इक्वल टू 70 years. तो अगर ड्रीम टाइम में मैंने प्रैक्टिस किया है, कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया है, तो वो 2.5 मिनट में जब पूरा संस्कार निकल जाता है मैं सब कुछ बदल सकता हूं. ये जो जीवन में जी गया
70 इयर्स में बेहोशी में जी गया, अगर ढाई मिनट का प्रैक्टिस किया तो वो ढाई मिनट में हाँ सब कुछ नया कर सकता हूँ। हाँ ये जीवन में मुझे कैंसर हो गया तो वो कैंसर का संस्कार साथ में नहीं ले जाना है, तो वो मैं ढाई मिनट में बदल सकता हूँ क्योंकि वो फिर से मुझे जीने का मौका मिलता है। इनर सेंसिटिविटी सेज के 2.5 मिनट्स मस्ट बी इक्वल टू 70 इयर्स। हाँ जैसे ड्रीम में हाँ ढाई मिनट में मैं सब कुछ कर लेता हूँ, हाँ मैं शादी भी कर लूंगा, बच्चा भी कर लूंगा, दादा भी बन जाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा, वो ढाई मिनट हो गया। हाँ लेकिन अनुभूति तो सब मैंने कर ली है, ऐसे ही ये ढाई मिनट में सब अनुभूति हो जाती है। जो रूप है जो फॉर्म है वो डिसॉल्व होने वाला है, इसलिए ये एलिमेंट्स वापस खींचते हैं, लेकिन इट नीड्स ग्रेट प्रैक्टिस टू गो थ्रू दिस। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट टॉक अबाउट ऑल दिस। अभी मैंने जो ऑर्डर में लिया है अर्थ वाटर, क्योंकि हमें जिस चीज समझना है वो डिजिटल समझना पड़ता है, लेकिन जब आएगा तो सब साथ में आएगा। इट इज नॉट डिजिटल, इट वोंट हैपन इन अ परफेक्ट ऑर्डर और एनीथिंग। तो ऐसा लगेगा कि आई एम लूजिंग ऑल सपोर्ट, दिस इज फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, आई एम लूजिंग ऑल सपोर्ट। तो शायद ऐसा भी लगेगा कि जिस बेड पे मैं बैठा हूं वो बेड का किसी ने पैर निकाल दिया और वो हवा में लटकता है वो बेड, राइट? या आई एम लूजिंग ऑल सपोर्ट, जिन जिन लोगों के सपोर्ट पे मैं आज तक खड़ा था, जो मैं अपने आप को समझता था वो सब छूट गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू विजुअलाइज ऑल दिस एट नाइट, यू नो, टू विजुअलाइज आवर सेल्व्स नेकेड विदाउट एनी रिलेशनशिप। कभी हम जाते नहीं है कि एक साल में ऐसा एक हफ्ता निकाल दिया, कहीं चले गया जहां मैं पिता भी नहीं हूं, बच्चा भी नहीं हूं, भाई भी नहीं हूं, मालिक भी नहीं हूं, नौकर भी नहीं हूं। ये सब जो चेहरे हैं, जो हमारे सपोर्ट, जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, वो सब चेहरे को छोड़ के अगर हम कहीं जी सकें फॉर अ फ्यू डेज, नो टेलीफोन, नो बुक्स, नो म्यूजिक, ऑल सपोर्ट, कोई चीज का सपोर्ट नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट, ऑल सपोर्ट, क्या हमें मालूम ही नहीं है? वी आर सो हैबिचुएटेड टू ऑल दी सपोर्ट, सडनली ये पृथ्वी तत्व निकल जाएगा और सब सपोर्ट गया। वैसे तो वही बेड है जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, लेकिन साइकोलॉजिकली चला गया, मुझे लगता है कि कोई सपोर्ट मेरे लाइफ में नहीं है। वाटर, वाटर, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शरीर सूख रहा है, मुझे जरा गंगा जल पिला दो। गंगा जल से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सूख रहा है सब कुछ, और शरीर के सब रस जो है वो सूख रहे हैं। ना द वाटर एलिमेंट इज टेकिंग, ना इसके साथ जो है जो जो संस्कार है वो भी डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी का गुण है टू अट्रैक्ट ग्रेविटी, द लॉ ऑफ अर्थ इज टू अट्रैक्ट ग्रेविटी, राइट? साइकोलॉजिकली द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ग्रीड, लोभ, उसको हम क्या कहते हैं, लोभ। तो लोभ का बहुत बड़ा तिजोरी है भीतर। तो अभी ये पृथ्वी तत्व निकल गया, तो जिस तत्व से वो लोभ बना था वो तत्व छूट गया, आगे
shouts over him. So observation ki baat hai, ki you have to see ki how I am attracted to things. मैं कैसे एक विक्टिम हो जाता हूँ जब मैं किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाता हूँ, कैसे बेहोशी आ जाती है. दैट वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. तो वो पृथ्वी तत्व निकल गया, लोभ का संस्कार छूट गया. अभी जितना भी लोभ मैंने इकट्ठा किया ये मोमेंट के लिए तो मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं संस्कार से फ्री हो गया हूँ. वैसे जल तत्व मैं सूखने लगा भीतर. लेकिन see, there are many things, Prithvi's vibrations of happiness, so many things. I can't go into all, that we'll have to personally study. So, main cheez mein le leta. Main cheez mein le leta. So, jal tatva jiske saath hota hai, wo meri kamna hai. Kamna. Aur kamnao ka bheetar bhandar pada hai. Abhi ye jal tatva sharir sukhne laga, तो वो जो कामनाओं का भंडार है वो थोड़ी देर के लिए उसमें से मुझे मुक्ति मिल जाती है. और ये एक एक जो है लोभ काम है उसका अलग अलग डिजीजेस है. तो ये सब चीज से मुझे मुक्ति मिल जाती है. जैसे हम गर्मी के दिन पे गाड़ी चलाते हैं और लगता है कि सामने पानी है, तो पानी है ही नहीं. हाँ, तो जब ये जल तत्व सूखने लगेगा भीतर, हाँ, तो ऐसे हमें लगेगा कि पानी है. पानी है नहीं, हाँ, रुक जाओ. तो वो सेंसिटिविटी में हमें उतरने का है उसका. वैसे भी सब कामनाएं जो है वो मृग जल ही है, कोई किसी का पूरा नहीं होता है. आदमी दौड़ता रहता है, उसको लगता है कि भाई अभी सूर्य को पकड़ लिया, लेकिन जैसे क्षितिज पे जाता है वो दूर चला जाता है. ऐसे हमारे सब कामनाएं ऐसी है, पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं तो मृग जल ही है. प्राण अभी अग्नि तत्व जाएगा तो बहुत ठंडी लगेगी, बहुत ठंडी लगेगी. अग्नि तत्व जाएगा, अभी लगेगा कि मैं उसको देख रहा हूं लेकिन वो दिखता नहीं. रूप, तो सब फॉर्म्स जो आजू बाजू है वो सब फॉर्म्स डिसॉल्व होने लगेंगे, वो दिखते नहीं है. तो अग्नि के साथ कौन सा जाएगा? क्रोध. क्रोध, हाँ, क्रोध यानी the imbalance of the rhythm of the prana is growth. So, agar rhythmic breathing kiya us time pe, to prana bilkul rhythm mein hoga. To abhi lagega nahi ki ye agni tatva chala gaya. Baki aisa bahut bhitar thand lagega. Phir sparsh. स्पर्श के साथ आपको लगेगा कि कुछ भी संवेदना अभी भीतर नहीं होती है. नथिंग इज वर्किंग, एब्सोल्यूट नथिंग इज वर्किंग. अभी मृत्यु की घड़ी एकदम नजीक है. वी हैव गॉन बैक इन टू दो 70 इयर्स. वो 70 साल हमने फिर से जी लिए 28 मिनट में, राइट? और मृत्यु की घड़ी अभी बिल्कुल नजीक है. और लास्ट मोमेंट में दो सेंसेशंस रहेगा. एक के कोई सेंसेशन ही नहीं है, कोई भी इंद्रिय अभी काम नहीं करती है. और दूसरा, अगर अपना नाम आप याद करने जाओ तो वो याद नहीं रहता. उस समय जो पूरा प्राण जो है शरीर का, इट विल गो इनटू द मीडियन नर्व, इनटू द सुषुम्ना. नाउ रेडी फॉर द पॉइंट ऑफ डेथ. द क्लाइमेक्स इज अबाउट टू हैपन, राइट? अभी पॉइंट ऑफ डेथ की एकदम नजीक है. प्राण जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में चला गया. अभी ये एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो अगर उसकी संवेदना लेना है तो इट विल बी ओनली बिटवीन द लास्ट इन ब्रेथ एंड द लास्ट आउट ब्रेथ. लास्ट ब्रेथ भीतर गया
अभी ये लास्ट जाने वाला है, उस समय ऑल दी सेंसेशंस विल बी टुगेदर. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी प्रैक्टिस ऑफ ड्रीम योग. तो ये 70 इयर्स का हम उपयोग कर सकते हैं जो 2.5 मिनट में हम जीते. इसलिए योग निंद्रा तो रोज करना ही चाहिए. योग निंद्रा डोंट मिस अ सिंगल डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 70 इयर्स का हम उपयोग कर सकते हैं. अच्छा, अभी इन ब्रेथ आ गया, बॉडी इज अबाउट टू एक्सप्लोड, नाउ यू नो द टाइम हैज कम फॉर इट टू गो. अभी मेनी थिंग्स विल हैपन एज सून एज द आउट ब्रेथ गोस, लास्ट श्वास बाहर जाएगा, उसके साथ बहुत सी चीज होगा. पहली चीज क्या होगा कि सब संस्कार वापस पांच तत्वों में चले गए, तो वो जो डिवाइन फ्रैगमेंट है भीतर, जो आत्मा है, उसके ऊपर जो पर्दा संस्कारों का ही था, हाँ, वो उस मोमेंट के लिए वो खत्म हो गया है. तो जो दर्शन होता है वो उस आत्मा का, प्रकाश का दर्शन होता है. I'll just bring because I'm shouting a little. This is the most important point. अगर वो प्रकाश हमने देख लिया, वो प्रकाश पी लिया, तो बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन वो प्रकाश हम देखने से पहले, जैसे हमने हेडलाइट देखा रास्ते पे और आंख बंद हो गया, वो प्रकाश देखा उसके साथ भीतर संकुचन हो जाता है. संकुचन आप समझते हैं, वी कॉन्ट्रैक्ट, संकुचन टू कॉन्ट्रैक्ट. ये हमारा सबसे गहरा संस्कार है. अभी बात हुई थी कि हम दुख से भागते, वो गहरा संस्कार है, लेकिन उससे भी गहरा जो है वो संकुचन का अभी थोड़ी देर दिन पे थोड़े दिन पहले पतंजलि योग सूत्र के ऊपर बात हो रही थी. उसमें एक सूत्र आता है, कुर्म नाड़ी स्थैर्यम. बाय द यूजुअल इंटरप्रिटेशन जो सब लोग करते हैं कि कुर्म नाड़ी पे ध्यान रख के स्थिरता आती है, तीन गुणों का स्थिरता आती है. मैं कुर्म नाड़ी कहां ढूंढने जाऊं? तो जितने भी लोग लिख गए सब अलग अलग लिख गए कि कुर्म नाड़ी यहां है, यहां है, यहां है. याने टॉर्टस याने जो संकोचन जिसका कंट्रोल में है, संकोचन जिसका कंट्रोल में, ये ही कंट्रोल्स द ब्रिंगिंग इन ऑफ हिज लिम्ब्स. हमारा कंट्रोल में नहीं है. अगर हम रास्ते पे चलते कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी का सिर अलग है, बॉडी अलग है, तो हम ऐसे हो जाएंगे. इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. आप समझते हैं मेरी बात को? या किसी ने बोला कि मैं गया था, या मेरा पैर ऐसा ऐसा, मुझे दुख हुआ था, हाँ, तो हम भी आ रहे हैं ऐसा. हम क्या कहते कि मेरे साथ ऐसा न होना चाहिए. हम ऐसे संकोचित हो जाते हैं, हम मेरे साथ ऐसे न हो. दिस इज अवर डीपेस्ट संस्कार, संकोचित हो जाना. आप समझते हैं मेरी बात? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस. और जब तक ये संस्कार के ऊपर विजय नहीं होती है, तब तक स्थिरता नहीं आएगा, तब तक वो जो सत्य आएगा उसको हम कभी भी झेल नहीं पाता है. वो सत्य को ले, क्योंकि द मिनट इट कम्स हम संकोचित हो जाएगा, वो चला जाएगा, बात खत्म होगी. Truth will come in a single moment, less than a moment. And in that moment we close our eyes, it's gone. Right? And we have to overcome. That is what Patanjali is trying to say. Ki in any nadi, not in one nadi. He's not talking about any kurma nadi. There's nothing like any kurma nadi. It's all nonsense. In any nadi, this, whether it is in your thinking, whether it is in the emotional, whether it is in the instinctive, whether it is in the moving, wherever there is this inner habit, this inner, attitude of sankochan, unless you are able to
get over that, you will not master the three gunas. You will not be able to experience truth. This is what Patanjali is trying to tell. So, this is a very deep thing. So, what is going to happen at this point of death? That light is there, but we are not ready to see the light. We will close our eyes. Close our eyes is just a way of saying it. We'll move into the shell. We don't want to see it. We are not ready to see that truth. So, we have to be trained to see that truth. The prana goes into the sushumna, right, and it contracts the vajra nadi. So the vajra nadi is like the string of a bow. It pulls the vajra nadi. This is just a way of saying it. There is big tension in the vajra nadi, and the vajra nadi acts as the bow which sends the astral and the spiritual out on its journey. It throws it out of this time and space into another time and space. So wo vajra nadi khichta hai, to ye jo jane wala hai, uska wo rocket fuel hai, propulsion fuel hai. वो वज्र नाड़ी का खींचता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पूरी यात्रा है उसमें नए पेट्रोल कहीं मिलने वाला नहीं है. नया पेट्रोल नहीं है वहां, कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि वहां से भर ले. ये जितना भी शक्ति वज्र नाड़ी ने उसको दिया है, वही शक्ति वो पूरा सर्जन में उसके साथ रहेगा. तो जिस चीज से वो शक्ति कम होती है, अगर मैं कोई चिंता है कि मेरा बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, तो वो चिंता में वो वज्रनाड़ी का जो शक्ति है वो डिसिपेट. तो उतना पेट्रोल मुझे वहां कम रहेगा. तो बिल्कुल रिलैक्स रह के जस्ट सेंस, अने एक पॉइंट पे वो वज्रनाड़ी खींच जाएगा, एंड वी आर थ्रोन आउट. Right, the vajra nadi is active. अभी जो सुषुम्ना है उसमें तीन नाड़ियां है. The vajra nadi is the outermost. The thickest coil is the sushumna, and within the sushumna is the chitra nadi or chitrini, which divides into two and becomes the brahma nadi and pierces the brahmarandhra over here. तो ये जो वज्र नाड़ी है हमारे जीवन में एक्टिव वो ही है. और वज्र नाड़ी का जो उसका जो लक्षण है, एवरीथिंग हैपन्स इन स्पैजम्स. इसलिए मृत्यु हमारा स्पैजमोडिक है. इट हैपन्स इन स्पैजम्स. योगी जो है वो वज्र नाड़ी से नहीं मरता है, वो सुषुम्ना से मरेगा. और कोई कोई ऐसा योगी है जो चित्र नाड़ी से मरता है, ब्रह्मरंध्र में जाके मरता है. वेरी रेयर केस. ओनली केस वी हैव इन हिस्ट्री इज कबीर. कबीर इज द ओनली केस इन हिस्ट्री. वी हैव नो अदर केस वेयर कोई ब्रह्मरंध्र में जाके बिंदु में से परा नाद करके शरीर का भस्म कर दिया. थोड़ा भस्म मुसलमान ले गया, थोड़ा भस्म हिंदू ले गया. वो झगड़ रहे थे इसलिए उसने, क्योंकि वो करने में भी थोड़ा चमत्कार है. वो करने में भी चमत्कार है, तो शायद कोई अहंकार रह जाए वो करने में, तो वो कोई करता नहीं. जो जाता है वो सुषुम्ना से जाता है. सुषुम्ना याने वो धीरे धीरे जाता है. अगर तावड़िया जी का नोट्स आप पढ़ेंगे डेथ के ऊपर, तो वो कहता है कि पहला फिजिकल छूट जाता है, फिर एस्ट्रल छूट जाता है, फिर मेंटल छूट जाता है. इन स्टेजेस ही हैज एक्सप्लेन, बट दैट इज कॉन्शियस डेथ. व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, आवर्स इज नॉट कॉन्शियस डेथ. आवर्स हैपेंस इन द ऑपोजिट वे. आई जस्ट एक्सप्लेन. तो योगी जो है वो सुषुम्ना से जाता है. जैसे बुद्ध है वो सुषुम्ना से गया, वो धीरे 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 उतरता गया. वो आधे रास्ते पे पहुंचा,
हाँ तो वो कोई आया था कि भाई जरा मेरा एक प्रश्न है पूछना रह गया है बुद्ध को, तो वो आनंद बोलता है कि वो तो ये पहुंच गया है यहाँ पे, वो नहीं आ सकता है वापस। तो बुद्ध वहां भी बुद्ध ने सुन लिया, वो वापस आया और प्रश्न का जवाब उसने दे दिया। लेकिन अगर वज्र नाड़ी खींच गई तो तीर छूट गई, वो वापस आने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वज्र नाड़ी पे थोड़ा कंट्रोल हमने ले लिया थ्रू वज्रोली मुद्रा, और वज्रोली मुद्रा सिर्फ ये योगा बुक्स में लिखा है वो नहीं है, दैट इज द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, दैट इज द साइकिक पार्ट ऑफ वज्रोली मुद्रा। तो वो वज्रोली के ऊपर अगर हमने थोड़ा बहुत क्या मास्टरी ले ली है तो हम कह सकते हैं कि जरा रुको, ये हमारे हाथ में वो कमान है। लेकिन फिर भी इट इज डेथ थ्रू द वज्र नाड़ी, अवर डेथ इज थ्रू द वज्र नाड़ी। अभी डेथ थ्रू वज्र नाड़ी यानी हाईएस्ट स्पीड इज इन द बिगिनिंग, लोएस्ट स्पीड इज एट द एंड। द एरो व्हेन इट लीव्स द बो, द हाईएस्ट स्पीड शुरुआत में होती है और लोएस्ट स्पीड लास्ट में होती है। बुद्ध के कैसे गया, वो धीरे धीरे उतरते गया, तो शुरुआत में हाईएस्ट स्पीड नहीं होती है, हाँ वो योगी की मृत्यु है। लेकिन हमारे मृत्यु में शुरुआत में हाई स्पीड है। अभी जो तीन लोक है भू भुव स्व, वो इंटरपेनिट्रेटिंग है, इंटरपेनिट्रेटिंग है, इसलिए हम धीरे से भी जा सकते हैं और फास्ट से भी जा सकते हैं। यानी ये तो हम भूलोक में है लेकिन बिकॉज ऑफ द हाइएस्ट स्पीड वी आर ऑलरेडी इन द सेवन सब स्टेज ऑफ स्व, वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम द हाइएस्ट एंड मूव डाउन। बुद्ध स्टार्ट्स फ्रॉम लोएस्ट एंड मूव्स अप, यू गेट अप एंड डाउन इज जस्ट बिकॉज इट्स ऑल इंटरपेनिट्रेटिंग। सो आवर स्पीड एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज हाइएस्ट, वी आर इन द सेवन सब स्टेज ऑफ स्व, द डिवाइन फ्रेगमेंट ऑफ द आत्मा हैज टू रिसाइड ओवर देयर टिल द next birth, so we leave him over there, the astral leaves the divine body over there and the astral starts falling, the speeds are falling very fast, so at the point of death, mrityu ke samay jo hai speed highest hai, sanskar ka pradesh saaf hai, koi bhi sanskar nahi hai aur samne jo prakash dikhta hai wo uska prakash dikhta hai, agar dekh liya to baat khatam ho gayi, agar nahi dekha तो वहां से एक फॉलिंग हो जाता है और वो जो फॉलिंग हो जाता है वो अलग स्टेट में, विच इज वेरी मच लाइक द ड्रीम, जो रात को हम सपना देखते हैं, उसके बहुत नजीक की स्थिति आती है वो स्वप्न की, जिसको बुद्धिस्ट लोग या टिबेटन लोग उसको बार्डो कहते हैं, द बार्डो स्टेट। डायरेक्ट नहीं होता, इट हैपेंस इन वेव्स। अभी लाइट देखा, फिर से बार्डो की शुरुआत हो गई, फिर से लाइट देखा, फिर से बार्डो की शुरुआत हो गई, फिर से लाइट देखा, बार्डो में चले गए। ऐसे तीन बार हमें मौका मिलता है, तीन बार मौका मिलता है। ऐसे कहते हैं कि शिव जी सो रहा था और नींद में से उठा तो सामने पार्वती दिखाई दी, तो पहले उसके नींद खुली तो पहली चीज जो उसको सामने जो दिखाई वो पार्वती दिखाई दी, फिर उसको पता चला कि अरे ये पार्वती है इसलिए मैं हूं, वो है इसलिए मैं हूं। तो पहली चीज जिसको उसको अनुभूति हुई वो नोइंग की अनुभूति हुई, आई नो कि शी इज देयर, नॉलेज ज्ञान कि पार्वती है। हाँ वो नोइंग में से उसकी जिसकी अनुभूति है उसके खुद का होनापन की अनुभूति हुई कि वो है मैं हूं, वो है मैं हूं। और बीच एक संबंध है, ये तीन जो है ये सत्य के तीन रूप है, ज्ञान
पूनापन, बीइंग, नॉलेज, रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप बिटवीन बीइंग एंड नॉलेज, हाँ, गुरुजी उसको अंडरस्टैंडिंग कहता है. राइट, बीइंग, नॉलेज, रिलेशनशिप. अभी ये जरा देख ले, लेकिन ये तीन में जो गहरा में गहरा है वो बीइंग है, होनापन है. देखना या ज्ञान भी किसी किस्म का तो कर्म है. द नोअर इज ऑलवेज देयर, द नोअर इज ऑलवेज देयर. राइट, तो मैं देखता हूं तो मैं देखने वाला बन जाता हूं. बस सिर्फ मैं हूं तो मैं नहीं देखने वाला हूं, नहीं जानने वाला हूं, सिर्फ मेरा होनापन है. तो सत्य की सबसे शुद्ध जो अनुभूति है वो उसका होनापन है. तो वो पहला जो प्रकाश दिखता है वो होनापन का प्रकाश दिखता है. लेकिन होनापन क्या है, हमने अगर थोड़ी प्रैक्टिस की हो कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी विदाउट एनी फॉर्म, What is my presence? What is my presence? Not presence as Rajan, my name, not presence as somebody. लेकिन जब सुबह मैं उठता हूँ, before I realize my name is this, हाँ, मैं बाप हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, हाँ, वो सब मुझे मालूम हो, उसके पहले मेरा थोड़ा होनापन का मुझे ख्याल आता है. वो जो होनापन है वो मेरा नेकेड होनापन है. आप समझते हैं मेरी बात? यू गेट व्हाट आई से? इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंस विदाउट एनी आइडेंटिटी, जस्ट द प्रेजेंस. ऑल अवर प्रेजेंसेस नीड सम आइडेंटिटी. अभी ये जो प्रेजेंस है वो सिर्फ सत्य का प्रेजेंस है. द लाइट over there is a presence, but we don't stop in that presence for a fraction of a second, so we have no way of understanding it, no way of knowing it. Wo presence ko jara uski samvedana lena, just sirf hona hai. Main kaun hu? Nahi, main just hu, just hu. Raat ko bhi aisi sthiti hoti hai, lekin raat ko jara it is difficult to do it, but in the morning when you get up, don't open your eyes immediately. Just sense the presence inside. Presence has no one. तो ये जो है, जो पहली प्रकाश दिखता है वो होनापन का प्रकाश है. फिर वो वापस आता है लेकिन ज्ञान का पर्दा में से. वो प्रकाश तो दिखता है लेकिन इट इज थ्रू अ विंडो. वो थ्रू अ विंडो, ज्ञान का पर्दा. अभी बीच, अभी वो ज्ञानी हो गया, देखने वाला हो गया. और तीसरी बार उसको प्रकाश दिखता है वो ऐसा है जैसे कोई धुआं हो, और हम कहते हैं कि कहीं तो प्रकाश, अग्नि होना चाहिए. अग्नि तो नहीं दिखाई देती है, सिर्फ धुआं दिखाई देता है. ये तीन बार वो सत्य की अनुभूति होती है. Dies. This all happens in the first 45 minutes. It's very important कि ये पहले जो 45 minutes to 1 hour, हम हमारे लिए 15 minute हम grace रखते हैं, वैसे लगभग लोगों का आधा घंटा में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे, हमने कोई practice ही नहीं किया है वो सत्य देखने के लिए. लेकिन हम आधा घंटा वो grace भी रखेंगे कि आधा घंटा के लिए कोई वो शरीर को हिलाएगा नहीं. दूसरी चीज कि अगर रूम में कोई रोने का आवाज आता है, हाँ, या ऐसा कुछ आता है, तो उसका अटेंशन जो है वो खींचता है. उसका अटेंशन कहाँ? उसको यही मौका है वो प्रकाश देखने के लिए. ये पहला, तो पहला जो नेकेड प्रकाश है वो तो मृत्यु की घड़ी में ही आ गई. फिर वो वापस आया और 15 मिनट में वो वापस आएगा. वो वापस आएगा, फिर से उसको दिखाई देगा. लेकिन अगर उस समय भी कोई रोता है, ये करता है, तो वो
वो फिर से अपना जो भले उसके पास स्थूल शरीर नहीं है लेकिन स्थूल शरीर की जितनी भी अटैचमेंट्स है, जितना भी क्रेविंग्स है, जितना भी क्या उसका भूख है स्थूल शरीर का, वो उसमें चला जाएगा, वो भूल जाएगा वो प्रकाश देखने के लिए। हा? तो रूम में ऐसा ही आदमी रहना चाहिए जो उसको गाइड कर सकता है। हा? और वो तीसरी बार एट द एंड ऑफ अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो तीसरी बार उसको मौका मिलेगा, फिर वो मौका फिर से नहीं आता है। जो योगी है वो प्रकाश में ही रहता है। वो जब तक नया जन्म नहीं, क्योंकि इज कॉन्शियस और वो वहां वो प्रकाश की दुनिया को छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम जब अभी यहां से ये एक घंटा खत्म हो गया तो समझो कि हम ड्रीम स्टेट में पहुंच गए। ड्रीम स्टेट में पहुंच गए, ड्रीम स्टेट में पहुंच गए यानी हाँ बार्डो में हम आ गए। अभी वो प्रकाश हाँ फिर से अभी नहीं आने वाला है। अभी ये ड्रीम स्टेट में अबाउट 45 to 55 days नॉर्मली आदमी रहता है, जिसको इट इज नॉट एग्जैक्टली द ड्रीम स्टेट बट द टिबेटन्स कॉल इट बार्डो विच इज वेरी मच नियर द ड्रीम स्टेट। अच्छा, वो भाषा नहीं समझ सकता है लेकिन वो रेजोनेंस पकड़ सकता है। रेजोनेंस आप समझ आओ, हाँ नाद की जो गुंजाई गुंज सो ही मैरिज सत्यवती एंड फॉर दैट व्यास टेक्स अ